साशा ध्यान दो, लाठी को ऐसे पकड़ो, अगर गलती हुई तो तुम्हें चोट लग सकती है। तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है। यो इंची टेप से ना पैगी, तेरी कितनी ऊंची नाक है। हाँ मैडम, आप ही से सीखा है लाठी चलाने का ये हुनर। वेरी गुड साशा, कीप इट अप। तेरी सांसें अटक जाएगी, वो जोर पटक जाएगी, तने चारों खाने चित कर देगी। अपनी बनी लठबाज और सिखा रही है अपनी बेटी मिष्टी यानी साईशा को लठबाजी। जरा देखिए कैसे आज माँ और बेटी मिलकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने की कर रही हैं तैयारी। मैं साईशा को वो सिखा रही थी कि किस तरह से यू नो फाइट बैक करना है, किसी भी आप मुश्किल में हो तो अपने आप को वीक नहीं समझना है, अपने आप को हाइपर नहीं करना है और कैसे शांति से उस चीज़ को उस चीज़ से लड़ना है, तो वो मैं उसे सिखा रही थी। भाई दुनिया का सामना करने का हुनर तो आपने अपनी बेटी को सिखा दिया आपने, लेकिन खुद आज दिल की बाजी हार गई और आखिरकार 10 साल बाद हो ही गया आपका नील से सामना। ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जिसमें ना वो अपना प्यार जता सकते हैं और ना वो अपनी को इतने सालों के बाद देख के उसे गले लगा सकते हैं, तो बहुत ही अजीब सा सिचुएशन है दोनों के लिए। परसों बाद नील और अपनी मिले तो सही, लेकिन इनका मिलन आधा अधूरा ही रहा। दोनों ने एक दूसरे को गले भी नहीं लगाया, बस अपनी आंसू बहाकर रह गए। और देखिए नील भी कैसे उन्हें सबकी नजरों से छुपाकर अपने कमरे में ले आए ताकि कोई अवनी को पहचान ना ले। चुकी हूं, बस तेरी बन चुकी हूं, मेरा मुझ में कुछ नहीं। अवनी को मैं छुपा दिया है ताकि वो अजून दुनिया के सामने ना आए, तो क्योंकि सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि अवनी जिंदा है और कोई और नहीं जानता, तो क्योंकि अगर वो सामने आ जाएगी दुनिया के सामने तो विद्युत जो है जिस जुर्म में वो अंदर है वो बाहर आ जाएगा। नील और अवनी का ये मिलन इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि एक ओर विद्युत के जेल से बाहर आने का खतरा, तो दूसरी ओर मिताली कर चुकी है नील के सामने इस हरे इश्क। अब इस डबल ट्रबल से कैसे निपटेंगे नील, देखना दिलचस्प होगा। आज तक ब्यूरो।